हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, और आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपके जो अभी तक आपने टॉपिक पढ़े हैं उससे थोड़ा अलग होगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको बताएगा कि अब आप 12th क्लास में आ गए हो। ठीक है, क्या बताएगा? ये बताएगा कि अब आप 12th क्लास में आ गए हो। ठीक है, ये टॉपिक इस प्रकार से है, कुछ बच्चों ने तो शायद इसके बारे में कभी आज से पहले सुना भी ना हो, और सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो आज सुन लीजिएगा। ठीक है, तो आज के हमारे पास तीन टॉपिक हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंडक्टर को इंग्लिश में कहते हैं चालक, चालक यानी कि चलाने वाला। यस, इंसुलेटर को कहते हैं अचालक, अचालक यानी कि ना चलाने वाला। यस, और लास्ट में आता है सेमीकंडक्टर, अर्ध चालक, जो चला भी सके ना भी चला सके, सिंपल सा बनता है। ठीक है, क्या है भाई? कंडक्टर यानी कि चालक, इंसुलेटर यानी कि अचालक, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अब सर ये तो बता दो किसके चालक किसके अचालक। ठीक है, अब चालक और अचालक, ये कंडक्टर और आपके इंसुलेटर, ये दो चीजों के चालक अचालक हो सकते हैं। कौन सी दो चीजें? या तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी विद्युत, या फिर हीट या ऊष्मा। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारे कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कौन से हमारे ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के चालक, कंडक्टर, अचालक, इंसुलेटर या अर्धचालक होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कंडक्टर या चालक के बारे में। सिंपल सी बात है, चालक, चालक का मतलब जिसके आप चला सको, जिसको आप चला सको। या सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि वो पदार्थ या वो एलिमेंट या वो तत्व जिनमें से विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो सके उसे क्या कहेंगे आप? कंडक्टर या चालक कहेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हो। आप भली बात ही परिचित हो, कौन कौन से हैं भाई? लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, जितने भी ये हमारे पदार्थ हैं जिसमें पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं, सिंपल बात याद रखनी है, जिसमें पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं वो कैसे हमारे कहलाते हैं? वो पदार्थ हमारे कंडक्टर या चालक कहलाते हैं, विद्युत के चालक कहलाते हैं। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी, कोई टफ बात नहीं थी। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, इंसुलेटर या अचालक। अचालक चालक का उल्टा, जो ना चला पाए। इसी प्रकार से वे पदार्थ, वे तत्व या वे एलिमेंट जिनमें से विद्युत धारा या करंट फ्लो नहीं हो सकता है, इनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है, क्या कहलाएगा? अचालक या इंसुलेटर कहलाएगा। इन सिंपल वे यही आपका आंसर भी हो गया। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, इस बात से पहली बात ही परिचित हो कि भाई इंसुलेटर वो सब्सटेंस हो गए जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। कौन कौन सब्सटेंस है भाई? प्लास्टिक, यस, रबड़, सूखा कपड़ा, सूखी लकड़ी। ठीक है, ये वो एलिमेंट है जिनमें आयंस नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से इनमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये वाली बात भी आप समझ में आई होगी। तो हमने दो बार में बात करी, तो कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर्स के बारे में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अब बात आती है थर्ड वाले, थर्ड वाला क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अपने आप में एक टॉपिक है, सेमीकंडक्टर अपने आप में एक टॉपिक है। इनको मैं तो अपनी बात बताया खत्म कर दी, चालक का मतलब क्या हो गया? जिनमें से फ्लो हो जाए। अचालक का मतलब क्या हो गया? जिनमें से फ्लो ना हो। अब बीच में क्या बचा? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को नाम दिया गया अर्धचालक। कौन सा चालक? अर्धचालक यानी कि आधा चालन करने वाला। अब अर्धचालक से क्या मतलब? भाई सिंपल सा मतलब है वो पदार्थ, वो तत्व या वो एलिमेंट जो कहने को तो अचालक है, उनमें से फ्लो नहीं हो सकती करंट, लेकिन उसमें कुछ और पदार्थ मिला देने पर, उसमें कुछ और पदार्थ या एलिमेंट मिला देने पर वो क्या कहते हैं? चालक बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें कंडक्टर, आप कुछ ऐसे एलिमेंट मिला दो, कुछ ऐसा पदार्थ मिला दो जिससे उसमें करंट फ्लो होने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका अर्धचालक कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पर ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। जैसे हमने अभी पढ़ा था इंसुलेटर में, क्या पढ़ा था? सूखा कपड़ा, सूखी लकड़ी, ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, अचालक होते हैं। लेकिन अगर आपने गीला कपड़ा यूज करा, गीली लकड़ी यूज करी, ठीक है, तो क्या होगा? तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी, आपको झटका लग सकता है। ठीक है, इस प्रकार से समझ जाओ कि सेमीकंडक्टर की बात में किसमें कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो सेमीकंडक्टर है, ये वाले भाई साहब जो है, इनकी अपने यहाँ पे पूरा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर में होता क्या है। सेमीकंडक्टर एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सेमीकंडक्टर वर्क करते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, इसकी पूरी सीरीज हमारी क्या होगी? सेमीकंडक्टर की कहलाएगी। आई होप आपको ये तीनों बात समझ में आई।
पढ़ाई होगी कि भाई कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। और देखो तो मैं आपको आज ही बता सकता हूँ कि भाई सेमीकंडक्टर में क्या होता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको समझने की चीज़ें नहीं आएगा। आई होप आपको ये तीनों बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई डाउट है या मुझसे और कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, कमेंट ना करके आप ऑडियोली पूछना चाहते हो तो स्क्रॉल हो रहा है हमारा नंबर, आप इस पर कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पसंद आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।